गुड इवनिंग फ्रेंड्स माई सेल्फ आकाक्षा सिंह वेलकम टू यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित इन दिस वीडियो सेशन हम पढ़ेंगे क्या डेवलपमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे तो इसमें सबसे पहला स्टेप था डिक्लेरेशन ऑफ द सेंट जेम्स पैलेस तो इसको कहानी की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि सेंट जेम्स पैलेस डिक्लेरेशन में क्या हुआ था कि इसमें नाइन एग्जाइल गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ जो है लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में मिलते हैं और जहाँ पर वो एक डिक्लेरेशन uh, को साइन करते हैं uh, और सेंट जेम्स पैलेस में उस डिक्लेरेशन को साइन करने की वजह से इसका नाम पड़ा डिक्लेरेशन ऑफ द सेंट जेम्स पैलेस जिसमें इन वो नाइन एग्जाइल गवर्नमेंट्स ने अपना टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एग्जाइल गवर्नमेंट क्या होता है देखिए वो गवर्नमेंट जो अभी तक अब कंप्लीटली स्टेट को नहीं होल्ड किया है मैं एक तरीके से यह कह सकती हूँ कि न्यू बॉर्न स्टेट होते हैं वो तो उनको हम एग्जाइल गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है ना एन अदर इम्पोर्टेंट स्टेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एटलांटिक डेवलपमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज द एटलांटिक चार्टर अच्छा अब यहाँ सवाल ये होता है कि इसको अटलांटिक चार्टर क्यों कहा गया ठीक है ना एक्चुअली इसमें ये होता है कि टू स्टेट्समैन ऑफ़ द वर्ल्ड इज़ द वि चर्चिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन एंड द प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूज वेल्ट ऑफ द अमेरिका ये एक दूसरे के साथ जो है एटलांटिक uh, सी में एक शिप में मिलते हैं जिस पर ये एग्रीमेंट को साइन करते हैं जिसमें ये एक एग्रीमेंट को साइन करते हैं और um, um, एटलांटिक सी में उस एग्रीमेंट को साइन करने की वजह से उसका नाम उस एग्रीमेंट का नाम पड़ा एटलांटिक चार्टर ठीक है ना अब उसमें क्या रखा गया उसमें उन दोनों ने यह नींव रखी कि वो नाजीवाद को ख़त्म करेंगे और क्या कहते हैं उसमें उन्होंने चार प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया कि चार और क्या हो सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ द नेशंस यूनिवर्सल पीस कलेक्टिव कोऑपरेशन एंड द प्रोहिबिशन ऑन एक्वायरिंग द टेरिटरी थ्रू द कंक्वेस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही हो रहा था कि वो दूसरे की टेरिटरीज को एक्वायर कर रहे थे तो जिसका पर उनका एक ये भी नीव था कि प्रोहिबिशन ऑफ द एक्वायरिंग द टेरिटरीज थ्रू कंक्वेस्ट को प्रोहिबिट किया जाए ठीक है अब हम आ जाते हैं कि अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन क्योंकि इसी डिक्लरेशन में हमें यूनाइटेड नेशंस शब्द की प्राप्ति होती है द यूज़ ऑफ दर्म यूनाइटेड नेशन फर्स्ट टाइम इन दिस डिकलेन विच इज़ हेल्ड ऑन द जनवरी वन नाइनटीन फोर्टी टू इसमें क्या होता है कि इट वॉज द साइंड बाय द president d roosevelt prime minister uh, winston churchill of the britain maxim litno of the russia and the t v sung and further it was the signed by the 50 representative of the states फर्दर इट वॉज साइन बाई द फिफ्टी फिफ्टी रिप्रजेंटेटिव ऑफ द स्टेट जिसको साइन करने के पीछे का ये मकसद था कि ये एक दूसरे के साथ कॉपोरेशन के साथ काम करना चाहते थे और इसको um, साइन करने के पीछे का मकसद ये भी था कि दे ऑल नॉट मेक द ट्रीटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द एनीमी स्टेट्स तो देल नॉट मेक द ट्रीटी विद द एनीमी स्टेट इट इज़ प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स क्योंकि इसमें आप जब यूएन चार्टर का आर्टिकल थर्ड पढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन शैल बी द स्टेट विच हैविंग द प्रीवियसली साइन द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ द जनवरी वन नाइनटीन का मतलब ये है कि ये कहा गया था इस डिक्लेरेशन में यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन में ये कहा गया था कि जिन्होंने जिन कंट्रीज ने इनको साइन किया है वो यूनाइटेड नेशन के ने मूल फंडामेंटल कंट्रीज बनेंगे अगर वो बाद में यूएन चार्टर को रेटिफाई करते हैं तो अब अनदर स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ द मॉस्को डिक्लेरेशन मॉस्को डिक्लेरेशन में क्या होता है कि इसमें इस रूजवेल्ट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ द अमेरिका विथसन चर्चिल और क्या कहते हैं स्टालिन उस डिकलरेशन को साइन करते हैं और जिसमें ये इस चीज़ पर एम्फासिस करते हैं कि अर्जेंट नीड ऑफ द स्टैब्लिशमेंट ऑफ़ द वर्ल्ड वर्क ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि वह इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेनटेन कर सकें इसके बाद त्रेहान तेहरान त्रेहान कॉन्फ्रेंस में भी यही होता है कि ये भी लगभग वही है क्योंकि इसमें भी इम्फासस ऑन द अर्जेंट नीड ऑफ द स्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न um, किया गया इसके बाद अनदर स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज द डन ओक कॉन्फ्रेंस यह सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में इसलिए ए, क्योंकि इसमें ये दो फेज में होता है फेज़ वन में इट वॉज द साइन बाय इट वॉज रसिया ब्रिटेन एंड अमेरिका द्वारा हेल्ड किया जाता है सेकेंड फेज में ये चाइना अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा हेल्ड किया जाता है इसमें क्या होता है कि कंपोजिशन फंक्शन एंड द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस किया जाता है विच वाज द लेटर साइन बाय द फोर कंट्रीज द रसिया ब्रिटेन अमेरिका एंड द चाइना ठीक है जिसके थ्रू जो है यू चार्टर का एक लेआउट जो है हमें इस डम्पर्टन ओ कॉन्फ्रेंस में ए, मिलता है ठीक है मोर ओवर द ब्रिटेन चाइना रशिया इस फाइनली गिव द अप्रूवल दैट प्रपोजल एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी नेम एज द यूनाइटेड नेशन तो जैसे कि इस, इस वीडियो सेशन की स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टर्म यूनाइटेड नेशंस तो यू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टर्म यूनाइटेड नेशन इज गेट थ्रू द डम्पर्टन ओ कॉन्फ्रेंस इसके बाद और भी कई सवाल होते हैं जो कि स्टिल डम्पार्टर कॉन्फ्रेंस में फुलफिल नहीं होते हैं जैसे कि लीग ऑफ नेशंस में जो पीसीआईजी था क्या वो स्टिल न्यू कोर्ट में कन्वर्ट किया जाएगा हु वाज़ द इनिशियल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट विल बी द रिप्लेसमेंट क्या जो लीग ऑफ नेशंस के जो मैंडेटरी प्रोविजन थे या जो मैंडेटरी सिस्टम्स थे उनको चेंज किया जाएगा कि नहीं चलिए दोस्तों अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो हम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद